अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्किस फूड की तरफ से मैं हूं शेफ शाहिद सुल्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज कराची बेक हाउस में स्नीकर केक की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो स्टूडेंट हमारे आ चुके हैं, इनसे भी सलाम दुआ कर लेते हैं। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप सब? चले माशाल्लाह। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो इसकी रेसिपी है वो आपको जो हम रेसिपी कार्ड में या हम अपने ग्रुप में फेसबुक ग्रुप और या फिर यूट्यूब चैनल पे आपको दे दी जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी गनाश तैयार कर लेता हूँ वाइट चॉकलेट की। चॉकलेट जो है वो मैंने ली है, क्वांटिटी मैंने बता दी थी। रेसिपी की क्वांटिटी जैसा कि मैंने बताया कि वो आपको ग्रुप में या यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मेल्ट करें इसको। तो ज़्यादा ना, ठीक है। फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं या फिलिंग? इसकी फिलिंग बना रहा हूँ। फिलिंग बन रही है। हाँ, रोस्टिंग में भी यूज़ होगी ना, मैंने बना ली, रोस्टिंग में भी यूज़ होगी और फिर फिलिंग में भी यूज़ होगी, ठीक है। अब बार बार बनाने से बेहतर है कि मैं एक ही बार पूरे गनाश बना लूँ, समझ लेंगे। चलें, चॉकलेट जो है वो मैंने मेल्ट कर लिया है। अब चॉकलेट की रेसिपी आपको सबको पता ही होती है कि चॉकलेट की जो रेशो होती है वो इक्वल होती है, जितनी चॉकलेट उतनी क्रीम, ठीक है। 1:1 की रेशो से गनाश मैंने बनाई है। मेल्ट की हुई चॉकलेट में क्रीम ऐड कर दें। क्रीम को बीट नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे हो, क्रीम ठंडी ना हो। ठंडी ना हो। हाँ। चलें जी, गनाश रेडी हो गई है। इसी में मैं पीनट बटर ऐड कर देता हूँ। ये पीनट बटर मैंने इसमें इसलिए ऐड किया कि क्योंकि ये स्नीकर केक के लिए है, अदरवाइज आपको अगर वाइट गनाश बनानी है किसी और काम के लिए तो फिर पीनट बटर इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वाइट चॉकलेट यूज़ होगी। सर, इस केक के लिए ज़रूरी है कि वाइट चॉकलेट ही यूज़ होगी? हम ब्लैक चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन जो या नहीं? ब्राउन चॉकलेट जो है वो इस पर यूज़ होगी, जैसे कि मैंने रखी भी हुई है वो ब्राउन मिल्की फूड की मिल्क चॉकलेट वो मेरे पास पड़ी हुई है, वो आप इसकी टॉपिंग पे जो है ना वो यूज़ करेंगी, मिल्क चॉकलेट। फिलिंग में वाइट चॉकलेट जो है पीनट बटर के साथ वही यूज़ होगी। अब इस बाउल में मैं बिस्किट जो मेरे पास रोस्ट की हुई पीनट थी, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें एक बाउल में डाल के मैं गनाश ऐड कर देता हूँ। पीनट बटर जिसमें मैंने शामिल किया अभी, सारी गनाश एक साथ नहीं डालनी, फिर उसका टेक्सचर देखना है कि जितना आपको ये मतलब के हाँ जितना आपने इसको हार्ड रखना है, ये कंबाइन होना शुरू हो जाए, ठीक है। हाँ जी, उसकी वीडियो जो है ना वो अभी अभी बनाई है स्नीकर बार की, मिल्की फूड की जो टॉफ़ी कैरामेल है मैंने आपको बताया था, ये इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 50 ग्राम। चलें, इसको मैं एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देता हूँ।
ये लें जी, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है, सही, ताकि फिलिंग केक की लेयरिंग करते हुए ये बाहर ना निकले, बाहर ना आए। अगर ज़्यादा पतला होगा तो फिर ये जो है ये फिलिंग करते हुए बाहर निकलेगा, जो कि केक को जो को ख़राब करेगा, ठीक है। सर ज़रूरी है कि हम कॉफ़ी क्रीम डालें, खाली क्रीम वाला सॉस डाल सकते हैं? कौन सा क्रीम सॉस जो आता है हमारे पास? कैरेमल सॉस? हाँ। नहीं नहीं, वो रनी होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा, ये डालना इसमें है। टॉफी डलेगी। विपी विप क्रीम जो है वो मैंने पहले से विप करके रखी हुई है, तो अभी मैं मुझे इसके लिए थोड़ी हार्ड वाली चाहिए, तो मैं इसको दोबारा थोड़ा सा विप करता हूँ, ठीक है। अच्छा सर, एक दफ़ा दोबारा बीट करें इसको। ये देखें, इसको मैंने एक्स्ट्रा विप कर लिया है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसको मैंने पहले विप करके रखा था, अभी मुझे इसको थोड़ा सा दोबारा हार्ड भी चाहिए था, तो मैंने इसको दोबारा से बीट कर दिया, ठीक है। अभी विप की हुई, हार्ड विप की हुई मैं क्रीम इसके लिए ले लेता हूँ। दो सौ पचास ग्राम इसी में मेरे पास जो बची हुई गनाश थी बाकी वाली। अच्छा, जितनी मैंने गनाश बनाई थी आधी मैंने उसके साथ डाल ली, आधी मैं क्रीम के साथ डाल के इसकी फ्रोस्टिंग रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, क्रीम को मैंने एक्स्ट्रा विप विप किया था, तो ये अभी भी गनाश डालने के बाद भी अभी भी स्टेबल है, ठीक है। बिल्कुल, जब आपने गनाश डालनी है तो ये याद आपने रखना है कि क्रीम जो है वो आपने हार्ड विप करनी है। फिफ्टी ग्राम टॉफ़ी कैरमल मैंने पहले ली थी फिलिंग के लिए, 50 ग्राम मैंने टॉफ़ी कैरमल अभी ली है फ्रोस्टिंग के लिए, ठीक है। स्पंज जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेसिपी स्पंज की मैंने दे दी है, ये मैंने एक दिन पहले बना के रखा हुआ था। इस केक के लिए मुझे चार स्लाइस चाहिए थे, जो कि मैंने दो पैन से लिए हैं, 7 इंच का मैंने पैन यूज़ किया है। अब इसके असेंबलिंग की तरफ आते हैं। इसकी एक थोड़ी सी मोटी लेयर देनी है। इसी तरह आपने इसको स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह पहली लेयर मैंने लगाई है, आप अपनी मर्जी से चाहें इसको दो लेयर में बना लें, तीन में बना लें, चार में बना लें। बड़े आराम से, ज़्यादा दबाव नहीं डालना, ताकि स्पंज जो है वो बड़ा नरम है, सूट टूटे नहीं।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्पंज जो है ये इतना सॉफ्ट है, इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा मिल्क के साथ सोक कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट इतना है। हाँ जी, चलें जी, केक हमारा असेंबल हो गया। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। अब मैं केक की फ्रोस्टिंग कर लेता हूँ। केक को मैंने जैसे कि बताया था, लेयरिंग के बाद जो है वो ठंडा होने के लिए थोड़ा रख दिया था, ताकि कोटिंग जो है इसकी थोड़ी ठीक रहे। पहले क्रम कोटिंग करनी है, ताकि सारे क्रम जो है वो बैठ जाए। अच्छा, इस पर मैं क्रीम जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, ये थोड़ा बहुत इसका स्पंज जो है वो नज़र आएगा, ठीक है, जैसे नेकेड केक होता है। ले जी, केक रेडी हो चुका है। अब इसकी हम आते हैं टॉपिंग और गार्निश की तरफ। वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छी लगे, आप चाहे तो मिल्की फूड की जो मिल्क चॉकलेट है उसको मेल्ट करके थोड़ा सा ऑयल उसमें ऐड करें और इसके ऊपर पूरा पोर कर दें, चाहे तो डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, प्रेजेंटेशन डेकोरेशन वो आपको जो बेहतर लगे वो आप कर लें। ले जी, केक रेडी हो गया हमारा। जी नाज़रीन, आज की हमारी स्नीकर केक की क्लास जो है माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है। अब हम केक की कटिंग करेंगे और अपने स्टूडेंट को खिला के इनका फीडबैक लेंगे कि इनको आज की क्लास कैसी लगी है, केक खाने में कैसा लगा, मिल्की फूड की प्रोडक्ट जो है वो टोटली इसी में वो यूज़ हुई है, तो इनका फीडबैक लेते हैं, इनको केक पहले काट के खिलाते हैं तो फिर इनसे पूछते हैं।
अभी ये बिल्कुल ताज़ा है। हाँ ठंडा होगा तो और भी स्टेबल होगा। जी आप इनसे पूछते हैं कि इनको आज की क्लास जो है वो कैसी लगी और इन्होंने यहाँ पे आके क्या सीखा और केक जो है स्पेशली आपको खाने में कैसा लगा? सर माशाल्लाह बहुत बहुत ही सॉफ्ट और जो इसकी फिलिंग है ये सब बिल्कुल बैलेंस बहुत ही यमी है। और ख़ास तौर पे जो मिल्की इस फूड की आपने प्रोडक्ट यूज़ की है ये वाली जो न्यू टॉफी कैरमल इसने मज़ा दुबाला कर दिया माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त फ्लेवर बहुत। और आज आपको कुछ सीखने को मिला यहाँ? बहुत कुछ, कुछ अलग सीखने कुछ को मिला। टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिली हैं आपसे और ये है कि ज़ाहिर एक न्यू फ्लेवर हमने सीखा है तो बहुत बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। चले थैंक यू। बहुत दूर से आई हूँ क्लास लेने। अच्छा चले आप बताएं जी आपको कैसा लगा? चले बताएं आप जी। सर बहुत ही मज़े का बहुत टेस्टी है ना। हाँ जी। और जो इसकी प्रोडक्ट्स आपने यूज़ की वो तो बहुत ही ज़्यादा आला है ना, ख़ास तौर से जो आपने क्रीमल कॉफ़ी बना के डाला इसके अंदर बहुत अच्छा बना हुआ है। चलो माशाल्लाह। और आप ही की वजह से हम लोग आए थे कि इतना अच्छा सिखाना करना। चलो थैंक यू। बहुत ही अच्छा है। आप बताएं जी आपको कैसा लगा यहाँ आके, क्या सीखने को मिला और आज की जो रेसिपी है ज़ाहिर आपने टेस्ट भी किया, आपको कैसी लगी? जी सर क्लास वॉज गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मिल्की इस फूड के प्लेटफॉर्म को ना कि हमें इससे और भी बहुत कुछ सीखना है, तो प्लीज़ आगे इस तरह की और क्लासेस हमारे लिए कंटिन्यू करें। और केक वाज वेरी डिलीशियस और लेयरिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, टॉपिंग भी है ऑलमोस्ट गुड। चलिए थैंक यू। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि मिल्की फूड जो है वो स्टार्ट करने जा रहा है बहुत जल्द ऑनलाइन आप लोगों की सहूलत के लिए, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या ये हमें करना चाहिए या फिर ये आप लोगों के लिए सब पे? या सर वेरी कन्वीनियंट हो जाएगा उन लोगों के लिए जो आ नहीं सकते, उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जूम क्लास इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि वो हो और हमें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम क्लासेस के लिए नहीं आ पाते तो देन वो हम घर में इजीली अपने हाउस चोर्स के साथ मैनेज सब लोग जो है वो घरों में बैठ के इजीली सीख सकेंगे। फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, मतलब बार दफ़ा आना चाह रहे होते हैं, बार दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम आना चाह रहे होते हैं और कुछ वजूहत की वजह पे नहीं आ पाते, दिल चाहता है कि क्लास लें, तो अब ये तो अच्छा ऑप्शन हो जाएगा कि हम घर बैठे इस्तफादा हासिल कर सकेंगे मिल्की फूड का। और उनका बहुत शुक्रिया कि हमें इतने आजकल के हालात में इकनॉमिक जो चल रहे हैं क्राइसिस उस लिहाज से बहुत ही बेस्ट है जो हमें वो दे रहे हैं ऐसी क्लासेस। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और आपने अपनी राय से हमें आगाह किया। इसके अलावा मिल्की फूड जो है वो आप सब लोग पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो एक सहूलत मुतारफ़ करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की जो कि जूम पे हुआ करेंगी, और ताकि आप सब लोग जो है वो घर बैठे सीख सकें आसान बेकिंग। ऑर्डर के लिए जो है ना आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और हमारी वेबसाइट bakehouse.pk को विज़िट करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ ही मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।